बीके हरिप्रसाद जी, चरणदास महंत जी, मोतीलाल वोरा जी, मोसीना किदवाई जी, शोभा ओझा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। यहां पे पिछले 10 साल यहां से पिछले 10 साल बीजेपी की सरकार है और कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को यहां पे खत्म किया गया, आपको याद होगा। शेम शेम, इनके लोग कहते हैं कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और यहां पे नंद कुमार पटेल, शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप को मार दिया गया। कुछ आप लोगों को पता लगा, कार्रवाई हुई, कुछ निकला? कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े भाषण होते हैं कि भैया आतंकवाद है, हिंसा हो रही है और यहां नंद कुमार पटेल जी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा, देखिए मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूं और वहां मैं यात्रा करूंगा और इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाकर जनता से बात करूंगा। शुरुआत उनकी कहां हुई थी? प्रधान थे वो, जमीनी आदमी थे और जो आपकी मुश्किलें हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते थे और मैंने उनसे कहा, देखिए थोड़ा ध्यान से काम लीजिए, छत्तीसगढ़ में माओइज्म है, आप थोड़े ध्यान से काम लीजिए। और उन्होंने मुझे कहा, देखिए मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता के आदमी को क्या किया, मार डाला। 10 साल से यहां सरकार है और ये जो प्रदेश है इसमें कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी यहां नहीं। सही बात है, गलत है? जंगल की कोई कमी नहीं है, जमीन की कोई कमी नहीं है, अमीर प्रदेश है मगर यहां के लोग गरीब, अमीर प्रदेश है मगर यहां के लोग गरीब हैं और बीजेपी की सरकार कहती है भैया हम विकास कर रहे हैं। मुझे आप बताओ कैसा विकास हो रहा है? ये जो युवा खड़े हैं, आपको रोजगार मिल रहा है? नहीं सुना मुझे, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, शिक्षा मिल रही है आपको? युवाओं को शिक्षा मिल रही है? यहां के चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मंत्री के बारे में कहा कि भैया मंत्री भ्रष्ट है। ऐसा आपने कभी सुना है कि चीफ सेक्रेटरी उठ के कहता है भैया मंत्री भ्रष्ट है? सिर्फ इस प्रदेश में ये हो सकता है। और घूमते ही कहते भैया छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कहां आगे बढ़ रहा है? लोग मारे जा रहे हैं, माओइज्म आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के ये चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। और ये महिलाएं जो बैठी हैं, कल मैं जम्मू कश्मीर में था, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, कल मैं जम्मू कश्मीर में था और वहां हमारी कोलिशन की सरकार है और वहां मैं महिलाओं से बात कर रहा था। महिलाओं को हम समूह के माध्यम से बैंक से जोड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने बदल डाला, कैसे? जो महिलाओं की शक्ति है,
उसको बाहर निकाल कर, इन महिलाओं को बैंक से जोड़कर, समूह से जोड़कर। और आज अगर आप जाएं, जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रोग्राम है, अगर आप जाएं नरेगा देखें, तो ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं, ये नरेगा को चलाती हैं। मगर यहां इनको भूल जाते हैं, यहां इनको पीछे रखा जाता है। नहीं, आप ताली बजा रहे हो क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है, बहुत अच्छी तरह समझ आती है इनको ये बात। देखिए बीजेपी का सिस्टम क्या है, मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती है जनता को मजबूत करो, इन महिलाओं को मजबूत करो, इनके हाथ में शक्ति डालो, वो जो युवा है उनके हाथ में शक्ति डालो। आरटीआई दिया, आरटीआई का मतलब क्या है आप समझाओ मुझे, आरटीआई का क्या मतलब होता है? कि जो भी हिंदुस्तानी अपनी सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। गरीब से गरीब महिला अगर पूछना चाहती है कि भाई मेरी सरकार क्या कर रही है, छुपे कमरे में क्या कर रही है, वो पूछ सकती है। आरटीआई कौन लाया, कौन लाया आरटीआई? भ्रष्टाचार की बात होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार आरटीआई है। सही बात है, गलत बात है? वो कौन लाया, जो पहले अंदर होता था, बंद कमरों में होता था, वो बाहर आया। कांग्रेस की देन है, भोजन का अधिकार लाए। देखिए कानून, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये अधिकार शब्द हमने क्यों डाला इसमें, क्या लगता है आपको? ये अधिकार का शब्द हमने इसलिए डाला क्योंकि ये किसी ब्यूरोक्रेट का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। अगर भोजन दिया जाए तो हर एक व्यक्ति को दिया जाए, ये नहीं कि ब्यूरोक्रेट सोचे कि भैया मुझे ये अच्छा लगता है तो इसको दूंगा, ये अच्छा नहीं लगता तो इसको नहीं दूंगा। हर जात को दिया जाए, हर धर्म को दिया जाए, सबको दिया जाए। और हम अधिकार की राजनीति करते हैं जहां भी हम जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात की, वहां पिछले साल में हमने प्रोग्राम शुरू किया और 15,000 युवाओं को रोजगार दिलवाया, 15,000 को, और आने वाले समय में 1,00,000 युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। आप मुझे बताओ भैया, यहां युवा है कोई जिसको रोजगार मिला है? हाथ उठा के दिखा दो जिसको रोजगार मिला है यहां पे। आप जाते हो बेंगलोर, जाते हो कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुंबई जाते हो कांग्रेस पार्टी की सरकार रोजगार ढूंढने। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि रोजगार हम आपको यहां देंगे क्योंकि आपके यहां कोई कमी नहीं, आपको बंबई जाने की कोई जरूरत नहीं है, बेंगलोर जाने की कोई जरूरत नहीं। और सबसे जरूरी बात, हम आपको सत्ता देंगे, पंचायती राज आपको दिया, ट्राइबल बिल आपको दिया, मगर उसका फायदा मिला आपको? भ्रष्टाचार। हमारा कहना है कि जब तक इस देश में आम आदमी के हाथ सत्ता नहीं आएगी, गरीब के हाथ सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता। और इनका कहना है भैया, पूरा पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ में होना चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर के हैं वो चले और बाकी छत्तीसगढ़ देखता रहे, देखता रहे भैया क्या हो रहा है। बड़े बड़े भाषण हो यहां से और चीफ मिनिस्टर कहे भैया सब कुछ सही चल रहा है, और हम कहते नहीं, 21वीं सदी है, आपके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, पंचायती राज आप चलाओ, रोजगार का अधिकार होना चाहिए, भोजन का अधिकार होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इससे आप में मजबूती आएगी। ये फर्क है हम में और उनमें। और ये कहते भैया कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पिछले 9 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? छोटा सा सवाल है,
यहां आते हैं कहते भैया आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ते हैं, जब यहां पे सीआरपीएफ पे हमला होता है, जब जवान मरते हैं तो बीजेपी के लोग कुछ नहीं कहते, तो कहते भैया ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब हमारी पूरी लीडरशिप टीम को मार दिया गया तब कहते भैया हमारी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं, प्रदेश की सरकार को चलाते हमारी पूरी लीडरशिप की टीम उड़ गई और उनकी गलती नहीं। हम नारे का लाए, हर गरीब को हमने रोजगार दिया पूरे हिंदुस्तान में, भोजन का अधिकार लाए, हर गरीब को भोजन देने की बात कर रहे हैं, जमीनी अधिकरण बिल लाए, यहां आपको मालूम है, आप बता रहे थे कितने एकड़ लिया गया आपसे, 6 लाख एकड़ छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों से लिया गया, छीना गया 6 लाख एकड़, उद्योगपतियों को दिया गया। सही बात है, डेवलपमेंट की जरूरत है, मगर आपको सही पैसा दिया गया क्या? आपसे पूछा गया कि भैया कि आप ये जमीन देना चाहते हो? नहीं, हम जमीनी अधिकरण बिल लाए। अब सुन लो, 4 गुना मार्केट प्राइस से 4 गुना आपको पैसा मिलेगा। किसने काम किया? कांग्रेस पार्टी ने, और सिर्फ उसको नहीं जिसकी जमीन है, उसको भी पैसा मिलेगा जो जमीन पे काम करता है, जो मजदूर काम करता है उसको भी हमने पैसा दिलवाया। तो हम काम की बात करते हैं, हम काम करते हैं, और ये लोग आते हैं भैया बड़े बड़े भाषण करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आतंकवाद के बारे में बोलेंगे, भोजन के बारे में बोलेंगे, ऐसा कौन भेजता है? दिल्ली की सरकार भेजती है। अब यहां देखिए, कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ रही है, सही है नहीं? कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ रही है, और ये आम आदमी की पार्टी है, ये गरीब लोगों की पार्टी है, ये आदिवासियों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, ये महिलाओं की पार्टी है, और ये युवाओं की पार्टी, और यहां पे अब कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। और मैं आपसे सिर्फ एक वायदा करना चाहता हूं, आदिवासियों से, दलितों से, कमजोर लोगों से, ये जो जल है, जो जमीन है, जो जंगल है, ये आपका है, ये जो प्रदेश है ये आपका है, और जो यहां बीजेपी के लोग आपसे छीन रहे हैं वो आपको कांग्रेस पार्टी वापस देगी, वो आपको कांग्रेस पार्टी शक्ति देगी कि आपका जंगल, आपका जल आप चलाओ। अगर आप उद्योगपतियों को देना चाहते हो आप जरूर दो, मगर अगर जाएगा तो आपसे पूछ कर जाएगा, आपके बिना पूछे नहीं जाएगा, यह फर्क है हम में और उनमें। अब आप जाइए, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हो आप जाओ, पोलिंग बूथ में जाओ, जनता के घरों में जाओ, जनता के घरों में जाओ और उनको बताओ कि कांग्रेस पार्टी को यहां जिताना है, हाथ के निशान को यहां जिताना है, और छत्तीसगढ़ में आम आदमी की सरकार लानी है। अंत में मैं आपसे उदय मुद्रियार के बारे में कहना चाहता हूं, मैंने नंद कुमार पटेल जी का नाम लिया, बाकी हमारे लीडर्स हैं उनका नाम लिया, मगर ये आपके थे और इनको आपसे छीना गया है। देखिए, ये जो हिंसा हुई है, ये जो आक्रमण हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी पे नहीं हुआ है, नंद कुमार पटेल जी, मुद्रियाल जी आपके नेता थे, ये जो हत्या की गई है ये आपकी आवाज पे आक्रमण किया गया, जनता की आवाज पे आक्रमण किया गया, इन महिलाओं की आवाज पे आक्रमण किया गया, इस बात को अब मत भूलिए।
ये सोचते हैं कि भैया देखिए सीधी बात है, नंद कुमार पटेल जी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था। मैं जानता हूं, मैंने उनसे बात की, गहराई में उनको समझता था, उनको कोई नहीं रोक सकता था, रोकने का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ एक तरीका था कि उनको मार डालो। सही बात है गलत बात है? क्योंकि वो जो व्यक्ति थे उनके दिल में आपकी आवाज गूंजती थी, उनके दिल में आदिवासी की आवाज गूंजती थी, गरीब की आवाज गूंजती थी, और उनको मारा गया। और वो सिर्फ आपको, उनको नहीं मारा गया, आपको मारा गया। तो इस बात को आप मत भूलिए, यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए, आम आदमी की सरकार लाइए, गरीबों की सरकार लाइए, और जो ये इस प्रदेश की शक्ति है, जो ये युवाओं की शक्ति है, इन महिलाओं की शक्ति है, इस शक्ति का हम प्रयोग करना शुरू करें इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।